आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें वो हर महीने SIP के थ्रू थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सके और उस पर अच्छे रिटर्न्स पा सके। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्स फंड्स के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड से आप 1 करोड़ रुपए कैसे जमा कर सकते हैं और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। रोजाना ये चेक करने के लिए कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, इन 5000 से ज्यादा कंपनीज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए 2 इंडेक्स बनाए गए हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज शामिल है, जबकि सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज शामिल है। इंडेक्स से पता चल जाता है कि मार्केट कैसा कर रहा है। यहां पर आप सेंसेक्स का पिछले 5 सालों का चार्ट देख सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि पिछले 5 सालों में स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। टाइम के साथ साथ इसमें काफी उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन आज की डेट में ये अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो टॉप कंपनीज को शामिल करके इंडेक्स बनाया गया और इंडेक्स के थ्रू पूरे मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। इंडेक्स फंड्स म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है जिसे पैसिव फंड्स कहा जाता है। ये फंड्स शेयर बाजार के किसी इंडेक्स में शामिल कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड निफ्टी इंडेक्स में शामिल 50 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह से सेंसेक्स इंडेक्स फंड सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडेक्स में सभी कंपनीज का जितना वेटेज होता है, म्यूचुअल फंड स्कीम में उसी रेशियो में उनके शेयर्स खरीदे जाते हैं। ऐसे फंड्स की परफॉर्मेंस उस इंडेक्स जैसी ही होती है जिसको वो फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जैसा निफ्टी इंडेक्स परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट के 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, यानी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट पर जो कॉस्ट आती है वो एक्टिवली मैनेज्ड फंड के कंपेयर में काफी कम होती है। इंडेक्स फंड का एक बड़ा फायदा ये है कि इसमें किसी एक कंपनी के स्टॉक्स में पैसे लगाने के बजाय इंडेक्स में शामिल सभी कंपनीज के स्टॉक्स में पैसे लगाए जाते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का मौका मिल जाता है। अगर एक कंपनी के स्टॉक में कमजोरी आती है तो दूसरे में ग्रोथ से रिटर्न बैलेंस हो सकता है। इंडेक्स फंड्स उन लोगों के लिए ग्रेट चॉइस हो सकते हैं जिनके पास फाइनेंशियल रिसर्च और मार्केट एनालिसिस का टाइम नहीं है, लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म में सुपीरियर रिटर्न्स चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इंडेक्स फंड के थ्रू आप 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं। ये एक इंडेक्स फंड है, आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में इसने 13.99% के रिटर्न्स दिए हैं। तो इंडेक्स फंड्स में 12-15% के रिटर्न्स नॉर्मली मिल जाते हैं। इसके लिए हमने एक SIP कैलकुलेटर का यूज किया है। आप देख सकते हैं, अगर आप हर महीने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं अगले 15 साल तक, तो आपके पास 1,91,520 रुपए हो जाएंगे। 20,000 रुपए जो आपने हर महीने इन्वेस्ट किए हैं वो हो जाएंगे 36 लाख रुपए, और उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो होगा 64,91,520 रुपए का। अगर आप हर महीने 20,000 रुपए जमा नहीं कर सकते, सिर्फ 15,000 रुपए जमा कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर डालेंगे 15,000, लेकिन इसमें आपको फिर टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आपको 15 साल की जगह 17 साल तक इन्वेस्ट करना होगा, तब भी आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा का फंड हो जाएगा। अगर आप 50,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप यहाँ पर डालेंगे 50,000 रुपीज, और इसमें आप टाइम को कम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ 10 साल तक ही इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा का फंड हो जाएगा। इस कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप खुद से चेक कर सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए जमा करने के लिए आपको हर महीने कितने टाइम तक कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। ये तो बात हुई कि इंडेक्स और इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। प्ले स्टोर से फिनिटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिनिटी एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है जिसमें आप 5000 से ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करने के लिए। अब इसमें आपको पैसिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको एक सिंपल KYC प्रोसेस
कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नंबर वेरीफाई करने के लिए ओटीपी डालेंगे। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए एंटर पैन पर क्लिक करेंगे। अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन नंबर कंफर्म करने के बाद बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, जिसके लिए कंटिन्यू। अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर चूज करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू। मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे। मदर नेम फिल करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू। ऑक्यूपेशन और इनकम रेंज चूज करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू। अगर आप चाहें तो नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नॉमिनी का नेम, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशन चूज करना होगा, इसके बाद कंटिन्यू। अपनी अकाउंट डिटेल्स फिल करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद वेरीफाई बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में ₹1 डिपॉजिट किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपको सिग्नेचर करने होंगे, जिसके लिए आप ओपन कैनवास पर क्लिक करेंगे। आप यहां वैसे ही सिग्नेचर करेंगे जैसे आपके पैन कार्ड पर है, इस तरह से आप यहां सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिनिटी एप्लीकेशन में आप 5000 से ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैसिव इंडेक्स फंड्स के बारे में, तो इसके लिए आप पैसिव इंडेक्स फंड्स पर क्लिक करेंगे। टॉप इंडेक्स फंड्स में आप देख सकते हैं निफ्टी बैकर्स, जिसमें आपको निफ्टी इंडेक्स फंड्स मिलेंगे। सेंसेक्स बैकर्स, जिसमें आपको सेंसेक्स इंडेक्स फंड मिलेंगे। थीमेटिक फंड्स, जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर थीम वाली कंपनीज के फंड्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको फार्मा में इन्वेस्ट करना है तो उसके आपको इंडेक्स फंड्स मिल जाएंगे। ग्लोबल इंडाइसेस, जिसमें आपको इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स मिल जाएंगे। जैसे कि हमें निफ्टी इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी बैकर्स पर क्लिक करेंगे। इस कैटेगरी में आपको वो फंड्स मिल जाएंगे जो निफ्टी को फॉलो करते हैं। जिन कंपनीज को निफ्टी में जितने एलोकेशन के साथ ऐड किया गया है, वो सब आपको इन फंड्स में सेम देखने को मिलेगा। सभी फंड्स के आप रिटर्न्स देख सकते हैं, 5 इयर्स, 3 इयर्स, 1 इयर्स, इस तरह से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें इन्वेस्ट करना है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान में, तो इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस फंड की सभी डिटेल्स आ जाएगी। आप इसके रिटर्न्स देख सकते हैं, पिछले 5 सालों में कितने रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 3 सालों में कितने रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 1 साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं, वो सब आप यहां देख सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.2%, जो कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के कंपेयर में काफी कम है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको देखना चाहिए वो है ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स और आपके फंड्स के रिटर्न्स में कितना डिफरेंस है वो आप ट्रैकिंग एरर में देख सकते हैं। ये जितना कम हो उतना अच्छा। इसके बाद रिटर्न्स पर क्लिक करके आप इस फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। नीचे फंड इन्फो पर क्लिक करके आप इसकी इन्फो देख सकते हैं, कब लॉन्च हुआ था, कौन फंड मैनेजर है और एग्जिट लोड कितना रहेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। नीचे आप होल्डिंग्स देख सकते हैं, इस फंड ने किन कंपनीज में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है तो इसमें आपको सेम इंडेक्स वाला एलोकेशन देखने को मिलेगा। तो फंड की सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। इन्वेस्ट करने के लिए आप नीचे इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मंथली SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हर महीने ₹1,000, ₹2,000, ₹5,000 इन्वेस्ट करने हैं तो आप मंथली SIP चूज करेंगे। यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे कितना आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि अगर मैं हर महीने ₹1,000 इन्वेस्ट करूँ तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये पिछले 5 साल के रिटर्न्स पर बेस्ड है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आप डेट चूज करेंगे हर महीने की, किस डेट को आप ये SIP करने वाले हैं। यहाँ से आप अपनी पसंद की कोई भी एक डेट चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हर महीने की पहली तारीख को ये SIP करनी है तो आप यहाँ फर्स्ट चूज करेंगे और सिलेक्ट डेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म डेट्स पर क्लिक करेंगे, पेमेंट प्रोसीड करेंगे। पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग या UPI एप्स के थ्रू कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स आप पोर्टफोलियो में ट्रैक कर सकते हैं कि किस फंड में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसमें आपको एक कैलकुलेटर भी मिल जाता है, जिसमें आप अपनी मंथली SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ₹5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं अगले 10 सालों के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ₹6,00,000, और रिटर्न्स के साथ आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा ₹11,50,191। ये पिछले 5 साल के रिटर्न्स पर बेस्ड है। हो सकता है आपका अमाउंट इससे ज्यादा भी हो जाए और इससे कम भी रह सकता है। इसी तरह से अगर आप ₹10,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ₹12,00,000, और
रिटर्न्स के साथ आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 23,383 रुपए। तो इस तरह से आप यहाँ अपनी मंथली SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फिनिटी आपको बेस्ट फंड्स रिकमेंड करता है अपने स्मार्ट एल्गोरिदम के बेस पर। तो इस तरह से आप फिनिटी एप्लीकेशन के थ्रू इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।